हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब फाइन होंगे। आज हम बीएड के कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया जो कि बुक टू है का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है और आप सभी को ये टॉपिक पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंडिया के सिटीज़न हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं एजुकेशन के लिए जो कि एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। आइए गाइस, तो इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन। देखिए, मैं आज आपके साथ सिंपल वर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स डिस्कस करने वाली हूँ। जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं वो आप इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करके देख सकते हैं। मैं आज आपको आर्टिकल्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। देखिए, DPSP का जो आर्टिकल 45 है, इट स्टेट्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अंटिल 14 ईयर्स ऑफ एज इज़ कम्प्लीटेड। तो ये DPSP का जो आर्टिकल 45 है, ये क्या कहता है कि 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 30 है, रिलेटेड टू सर्टन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो कि कल्चर या एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ऑल द माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज शैल हैज़ राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए, अब ये जो लाइन है ये पूरा क्लियर कर देगी कि माइनॉरिटीज़, चाहे वो रिलीजन पे बेस्ड हो, धर्म पे या भाषा पे, उन्हें ये राइट है कि वो अपने जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 29, ये लैंग्वेज सेफगार्ड का है कि कोई भी सिटीज़न जो कि भारत के अंदर रह रहा है या भारत के किसी भी पार्ट में रह रहा है, उसकी कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, तो उसके पास राइट है उसको कंजर्व करके रखने का। एंड गाइस, आप सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कल मैं कुछ और आर्टिकल डिस्कस करूँगी इसी टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें न्यू टॉपिक जो भी आप जानना चाहते हैं बीएड के बारे में। थैंक यू सो मच गाइस, आपने मेरा ये चैनल देखा एंड मेरा लेसन देखा।